आप देख रहे हैं एसटीएस न्यूज। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर हलचल तेज, शिंदे आज ले सकते हैं बड़ा फैसला। शिवसेना नेता ने दिया संकेत। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे घोषित होने के एक सप्ताह बाद भी नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर लगातार सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। इस बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गाँव चले गए। इस वजह से महाराष्ट्र सरकार के गठन पर फैसला लेने के लिए मुंबई में होने वाली महायुति की अहम बैठक स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या शिंदे सरकार गठन के फैसले से नाराज हैं और इसलिए सतारा जिले में अपने गांव चले गए हैं। हालांकि अब उनकी पार्टी के नेता उदय सामंत ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री परेशान नहीं है, वो बुखार और सर्दी से पीड़ित होने के कारण अपने पैतृक गांव चले गए। अगले 24 घंटे में लेंगे बड़ा फैसला। शिवसेना के एक दूसरे नेता संजय सिरसाट ने कहा कि एकनाथ शिंदे अगले 24 घंटों में कोई बड़ा फैसला लेंगे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि शिवसेना प्रमुख केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई पद नहीं लेंगे क्योंकि उनकी दिलचस्पी महाराष्ट्र की राजनीति में है। गुरुवार रात दिल्ली में जब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तब भी वे अस्वस्थ थे। महायुति के सहयोगी दलों भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के अपने गांव के लिए रवाना होने के कारण रद्द कर दी गई। इसके चलते महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम आने के एक हफ्ते बाद भी सरकार गठन में देरी हो रही है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच बैठक के बारे में पूछे जाने पर उदय सामंत ने जवाब दिया, अगर बैठक में कोई जा नहीं सकता तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हो सकती है। वे शिंदे परेशान नहीं हैं, दिल्ली में भी वे बुखार और सर्दी से पीड़ित थे। ये कहना गलत होगा कि वे परेशान हैं। किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर वे किसी अच्छी जगह स्वास्थ्य कारणों से गए हैं तो ये निष्कर्ष निकालने का कोई मतलब नहीं है कि वे परेशान हैं। संजय सिरसाट ने कहा, कल महाराष्ट्र के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात की।